गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति कुंडल के व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल में अभी तक, तो प्लीज नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है इसको प्लीज प्रेस करें एंड लाइक तो जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो आज का व्लॉग में मैं जा रही हूँ जूडियो, और जूडियो हॉल करने वाली हूँ बिकॉज वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, बहुत ही अच्छा अच्छा स्टफ मिलता है और रीजनेबल प्राइस पे। तो मैं आपको वहां जाकर दिखाती हूँ कि वहाँ पे अभी क्या न्यू स्टॉक आया। अभी आया कि वहाँ पे बहुत ड्रेसेस आई हैं और क्रॉप टॉप्स आए हैं। जीन्स वगैरह का मुझे इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैंने अभी तक कोई जीन्स ट्राउजर्स तो नहीं लिए, टॉप्स वगैरह तो मैंने काफी लिए हैं। तो बाकी भी स्टफ देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या, और वहाँ पे मुझे पता है, आपको पता है मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि जूडियो में 29 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है सामान लेना। तो अभी वहां जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या न्यू वैरायटी आई है। जूडियो में ये सबसे पहले वेट वाइप्स 29 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद ये फेस शीट मास्क, ये भी अच्छे है बट मैंने इसको यूज नहीं किया। और हाँ, ये परफ्यूम्स तो इतने ज्यादा अच्छे हैं ना, और अफोर्डेबल प्राइस पे, ये 99 के है, ये मैंने यूज किए थे। इनकी फ्रेग्रेंस अच्छी है बट हाँ ज्यादा लॉन्ग स्टे नहीं है। ये परफ्यूम्स की लॉन्ग स्टे है, ये भी मैंने यूज किया, ये 299 के है, कितने प्यारे हैं। और ये देखो बॉडी वॉश 99 रुपीज़ के, ये भी बहुत अच्छे है। और इसमें यहाँ पे भी इतनी परफ्यूम्स की वैरायटीज तो इनके पास बहुत है, और ये सारे बॉडी मिस्ट बहुत अच्छे है। और इसके बाद ये सारे कलेक्शंस देख लो कितने ज़्यादा, और 299 के स्लीपर्स, ये तो इतने प्यारे हैं ना, इतने क्यूट से। इसमें तो मैंने एक लिया था पर्पल वाला, और ये वाला, ये मेरे पास ऑलरेडी है पर्पल कलर में, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कुशन का, और 299 आई थिंक किसी के। और हाँ, ये स्लीपर्स मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगी, इसमें गोल्डन कलर भी था। बट यहाँ पे पहले आप देख लो ये कितने अच्छे स्लीपर्स, और सिर्फ के सिर्फ 299 रुपीज़ के ये सारे आपको स्लीपर्स मिल जाएंगे। जो सा मर्जी डिज़ाइन आप पिक कर लो, इतने अच्छे फ्लैट्स हैं ना, मतलब किसी के साथ भी आप डाल सकते हो, जीन्स के साथ, सूट्स के साथ। और ये जो है, ये भी मुझे एक चप्पल बहुत अच्छी लगी थी, ये भी आजकल ट्रेंड में है, और इसके नीचे ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने डाल के देखी बट भानु को अच्छी नहीं लगी, भानु बोलते ये रहने दो, तो मैंने ये नहीं ली। उसके बाद जो मुझे सिल्वर वाली पसंद आई थी बट उसमें मुझे साइज ही नहीं मिला, गोल्डन वाली में साइज मिला था बट सिल्वर वाली में नहीं था, तो फिर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये देख लो, इसमें आपको शूज़ की कलेक्शन भी बहुत ही अच्छी मिल जाएगी, 200 आई थिंक 300 के ये सारे शूज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा, ये रेड ग्रीन के भी, पिंक ग्रीन भी बहुत अच्छे थे। ये आई थिंक 1000 रुपीज़ के शूज़ आपको मिल जाएंगे, ग्रीन पिंक सारे ले सकते हो आप, बट मैंने ये सब तो नहीं लिया। और ये नेल पेंट्स की कलेक्शन देख लो कितनी अच्छी है, और ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। इसमें आपको न्यूड कलर्स, ग्लॉसी कलर्स सारे आपको मिल जाएंगे नेल पेंट्स में। और लिपस्टिक्स की शेड्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये ग्लॉस भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे दूसरे कलर्स भी हैं। और ये 2-2 का पैक भी था जूडियो में, ये भी बहुत अच्छा था। और हाँ, ये आईलाइनर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, ब्लू, ग्रीन, काजल वगैरह सब कुछ आपको ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे, और ये बहुत अच्छे भी हैं, इनका स्टे भी काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा क्या सारे लिए हुए हैं, और ये कलरफुल पाउच भी मिल जाएंगे। और हाँ, इसी लिपस्टिक्स की मैं बात कर रही थी जो 99 रुपीज़ से स्टार्ट है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे कलर्स हैं, न्यूड कलर्स भी हैं, सारे कलर्स अवेलेबल हैं इसमें, इस शेप में भी आपको मिल जाएगी लिपस्टिक्स, और इनका भी स्टे बहुत अच्छा है, इतने ही सॉफ्ट है ना। और यहाँ पे 149 से भी है, ये लिप ग्लॉसिस टाइप की लिपस्टिक्स है, ये मैंने ट्राई नहीं करी। यहाँ पे पाउच वगैरह भी है बट ये भी मैं, और हाँ अब क्लोथ सेक्शन में जाते हैं। ये देखो जीन्स वगैरह भी, ये कितनी अच्छी है, ब्लैक कलर की जीन्स ओनली 999 की। और ये ट्राउजर्स वगैरह वगैरह, जीन्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे जूडियो में, सब कुछ अफोर्डेबल रेंज पे है। जीन्स में भी काफ़ी वैरायटी है, और ये ट्राउजर्स में भी अच्छी पैंट्स थी यहाँ पे, इसमें कलर्स भी काफ़ी सारे थे, ग्रीन कलर में भी थे, मतलब सारे कलर्स के थे, आप ले सकते हो। और फिर विंटर्स का भी स्टॉक आया हुआ था, तो यहाँ पे ये ब्लैक तो मुझे ऐसी लगी थी बेकार सी, ये अच्छी थी स्वेटशर्ट, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका अंदर से भी स्टफ अच्छा था। और भी स्वेटशर्ट्स इसमें काफ़ी वैरायटी आई थी, ऐसे स्वेटर्स भी आपको मिल जाएंगे ब्लू लाइनिंग वाले, मतलब इस स्टफ़ के, मुझे मोस्टली वैसे ऐसे स्टफ़ के स्वेटर्स नहीं पसंद, मुझे ये वाले ऐसे स्टफ़ के ज़्यादा पसंद है, ये मुझे सॉफ्ट वाले बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें और भी बहुत कलर है, ये तो बहुत ही अच्छा कलर था, और भी काफ़ी सारे इसमें वैरायटी आपको मिल जाएगी स्वेटर्स में, ऐसे वाले भी कार्डिगन्स मिल जाएंगे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे। और ये स्वेटशर्ट्स की भी देख लो कितनी ज़्यादा वैरायटी थी, ओनली 599 की। और यहाँ पे ये ड्रेसेस वगैरह थी, और टॉप्स में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी,
जीन्स तो उन्होंने इतनी ज़्यादा हैंग कर रखी थी ना, हर जगह जीन्स ही जीन्स थी। और फिर ये क्रॉप टॉप्स की भी वैरायटी देख लो, इसमें भी आपको काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे, पिंक ब्लू। और ये शर्ट्स भी काफ़ी अच्छी है ऑफिस यूज़ के लिए, मुझे वैसे ये इतने बड़े बड़े चेक्स पसंद नहीं है, मुझे ऐसे टॉप्स बहुत क्यूट लगते हैं। मुझे ऐसे ये स्वेटर स्टफ़ वाले बहुत अच्छे लगते हैं। और ये लॉन्ग ड्रेसेस भी थी काफ़ी स्टूडियो में आई हुई, अफोर्डेबल रेंज थी। और हाँ, ऐसे कॉर्ड सेट भी थे, कॉर्ड सेट या फिर जो भी इसको फुल सूट्स आप बोल सकते हो, रेंज भी इनकी ठीक थी। अगर आपने सिंगल लेना तो सिंगल ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो। और ये 399 के टॉप्स भी थे, ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं ना, इसमें कलर्स भी काफ़ी थे, ब्लू ब्लैक पिंक और ये वाले ग्रीन वगैरह कलर्स भी काफ़ी थे। ऐसे टॉप्स भी थे, ये भी शर्ट स्टाइल टॉप अच्छे थे, फ्लावर्स वाले पिंक, इसमें भी काफ़ी कलर्स थे। ऐसी वैरायटीज टॉप्स की भी काफ़ी वैरायटी है जूडियो में, क्रॉप टॉप्स की आप कह सकते हो, जीन्स की तो भाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उसके बाद ये देखो 299 से यहाँ पे कुर्ती स्टार्ट है, डेली वेयर अपने घर पे डालने के लिए आप ये ले सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स और वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पे। इसके ऊपर की भी एक रेंज है, वो आई थिंक 399 की थी, उसमें भी हाँ ये 399 है। इसमें ये देख लो, इसमें थोड़ा सा वर्क स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी काफ़ी कलर्स अवेलेबल थे यहाँ पे कुर्तीज़ के, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए तो आप इस रेंज के लिए जा सकते हो, इसमें बहुत सारे कलर्स थे। ये देखो, ये भी कितने सारे कलर्स इसमें अवेलेबल थे कुर्तीज़ में। और उसके बाद ये कॉटन की ड्रेसेस भी इसमें काफ़ी इनके पास वैरायटी आई थी। ये ड्रेसेस आपको हर तरह की ड्रेस मिल जाएगी, लॉन्ग भी शॉर्ट भी कॉटन की, दूसरे स्टफ की जोन से भी होती है। अभी मैं वीडियो में इतनी आपको नहीं दिखा पा रही। और ये देखो, ऐसे कॉर्ड सेट भी इनके पास काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, जो क्रॉप टॉप के साथ कॉटन का ही स्टफ है। और ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा थी, इतना मैं अभी आपको नहीं दिखा पा रही, लेकिन आपको किसी भी ओकेजन के लिए चाहिए तो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगी और अफोर्डेबल प्राइस पे। और उसके बाद ये कॉर्ड सेट भी देख लो, ये भी कलर मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे लाइट कलर्स बहुत पसंद है, मुझे डार्क कलर्स इतने कम पसंद है, लाइट कलर तो मेरा फेवरेट है। ऐसे ही लॉन्ग ड्रेसेस की भी बहुत ज़्यादा थी, मैं तो भाई देख देख के थक गई थी, इसलिए मुझसे जितना हो सका मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको कुर्तीस ड्रेसेस सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा। और ये देख लो, हक्षु तो सो गया था, बस भानु इसको उठा के थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। इसके बाद अब आती है टर्न मेरी ट्राई करने की, तो फिर मैंने सारा सामान उठाया, जो जो मुझे पसंद आया मैं ले गई ट्राई रूम में। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ डाल डाल के अपने सारे क्लोथ। सबसे पहले मैंने ये डाली स्वेटर ग्रीन कलर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, कलर देखो इसका कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने ये पर्पल स्वेटर, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये भी मैंने स्वेटर डाली, ये भी अच्छी लग रही है, इसके ये थोड़ी लूज फिट में थी। उसके बाद ये मेरा टॉप, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं, ऐसे मुझे निटेड टॉप्स बहुत पसंद है, ये भी अच्छा टॉप है, अगर आप समर्स में क्रॉप टॉप टाइप है किसी के साथ भी डाल सकते हो। और ये जीन्स भी मैंने यहीं से ट्राई करी थी स्टूडियो की, ये भी अच्छी फिटिंग थी इस ब्लैक की। उसके बाद मैंने ये करा टॉप पिंक कलर का, वो भी मुझे अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने इन सब में से कौन सी ड्रेस ली होगी या कौन से क्लोथ्स ली होंगे। अगर आपको आइडिया है कि मेरे को कैसी चॉइस पसंद है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना आपके अकॉर्डिंग मैंने कौन कौन से इसमें से स्टफ लिए होंगे, क्लोथ्स लिए होंगे। तो ये टॉप भी अच्छा था, ये भानु को अच्छा लगा था, मेरे को इतना खास नहीं लगा। और ये ड्रेस देखो, ये कितनी क्यूट है। ऐसी तो यूडियो में बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं, ये जो डेनिम की है ना बिब वाली बहुत ही है। ये पिंक वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, ये भी मैंने सोचा ट्राई करके आपको दिखा दूँ। इसकी लेंथ ठीक थी, मुझे इतनी लेंथ वाली जैसे इतनी खास पसंद नहीं है। उसके बाद जो मैंने कॉर्ड सेट दिखाया था, वो भी मैंने सोचा आपको डाल के दिखा दूँ, ये भी अच्छा लग रहा था, कॉटन का कॉर्ड सेट। तो ये देख लो, मैंने थैला भर लिया अपना, आप मुझे बताना कि मैंने इसमें क्या क्या लिया होगा। उसके बाद ये देखो 49 रुपीज में ग्लॉसेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और अभी इन्होंने 3-3 का पैक भी बना दिया हुआ, 200 रुपीज पे 3-3 आइटम्स इन्होंने डाली हुई है, किसी में ये लिपस्टिक्स वगैरह और किसी में तीनों लिपस्टिक शेड्स ही है। और ये देखो, बिल करवाने टाइम ना मैं यहाँ से बहुत ज्यादा ये उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो भी मैं उठाती हूँ मुझे इतनी क्यूट लगता है। ये देखो, हक्षु ने मुझे उठा के दे रहा था कि मम्मा आप कुछ ले लो, आपका भी कुछ छूट गया। और ये क्लचेस भी मैं दिखा देती हूँ, ये भी देख लो 79 रुपीज में 2 का पैक 3 का पैक ऐसे काफी सारे अवेलेबल है आपको। और ये पिंस वगैरह भी काफी अच्छी अच्छी पॉम्पम वाली सारे बैग्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये देखो 29 रुपीज के ये बैग्स है कॉटन के। तो ये था मेरा आज का जूडियो का हॉल, ये सब हमने करा बिल। उसके बाद हक्षु ने करी बहुत ज्यादा मस्ती, तो मुझे बताना आपको मेरा जूडियो हॉल कैसा लगा। ओके, बाय बाय।